अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे पास जो न्यू अपडेट है वो आज जो है वो UMTT की है, जो क्वालकॉम जो है उसका नया वर्जन है। ये देखिए इंस्टॉल इसको कर रहे हैं हम 7.2। इसमें जो है कुछ मॉडल जो हैं वो और नए दिए गए हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इसमें मॉडल जो हैं वो दिए गए हैं। न्यू शाहीन मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड पे लगी हुई है, तो जैसे ये कंप्लीट होती है तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपने इसको जो न्यू यूज़र हैं उनको भी पता लग जाएगा इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और इसमें जो क्वालकॉम है इसमें सारे क्वालकॉम के ही CPU ऐड किए गए हैं। हमारी जो गुजारिश है वो UMTT वालों से है, जो UMTT की टीम है उनसे है कि इसमें कुछ जो ओप्पो A3S है तो ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है, इसको काफ़ी अर्सा हो चुका है, तो इसकी अपडेट इसमें ज़रूर इसको जो है ना इसकी अपडेट इसमें डालें, ताकि जो है ना अब तो काफ़ी अर्सा इसको हो गया आए हुए और भी मोबाइल इसके में आ गए हैं, तो कुछ UMTT की जो टीम है वो मेहरबानी करे कि इसमें जो OPPO 3S जो है, जो हम पिन आउट के साथ करते थे, जो हमारे पास हार्डवेयर करके हम उसको मोबाइल को ओपन करके खोल के फिर उसका बोर्ड वगैरह करके हम उसमें जो पिन आउट लगाते थे उसके साथ हम करते थे, तो UMTT वालों से गुजारिश है कि वो इसकी अपडेट जो है A3S की ओप्पो की इसमें ज़रूर ज़रूर ऐड करें।
देखें हमारी जो डाउनलोड है वो तकरीबन जो है ना कंप्लीट होने वाली है। ये देखें हमारी वीडियो जो है जो डाउनलोड वो कंप्लीट हो गई है, तो हम इसको लोकेशन पे जाते हैं। यहाँ ये जो इसका न्यू वर्जन है वो हमारे पास जो है वो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। ये देखा, हम इसको कट करके डेस्कटॉप पे डाल रहे हैं। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, क्लियर करके इसको ऑफ कर देंगे। ये देखें, ये हम इसको ऑन कर रहे हैं, अब जो नया सेटअप है इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखें, ये इसमें जो है ये देखें क्वालकॉम का नया जो है सेटअप 7.2, और इसके बाद ये देखें इसे एलजी के, नोकिया के और वन प्लस और ZTE के मोबाइल जो हैं इसमें ऐड कर दिए गए हैं इसमें। ये हमारी जो न्यू अपडेट आई थी UMT की, तो उसकी ये 7.2 क्वालकॉम जो न्यू अपडेट आई है उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये नेक्स्ट हम इसे करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। ये जो हमारा नया वर्जन है वो हम इसको उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखें, ये इसमें ड्राइवर हैं, ये हमने ओके कर रहे हैं इसको। उसके बाद हमने रिपेयर पे क्लिक करना है। उसके क्लोज और फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश। हमारा जो वेलकम न्यू अपडेट है 7.2 वो ऑन हो रही है।